नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:46 तक रहेगी। आज दोपहर 2:52 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:49 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्कंद षष्ठी व्रत और कल की जयंती है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याइजेद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है, अब ये योग कल यानी कि 11 अगस्त की सुबह 5:49 से अगली सुबह 5:33 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है, अब ये योग 14 अगस्त की सुबह 5:34 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:48 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:14 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, अब यह मुहूर्त 17 अगस्त की सुबह 8:06 से सुबह 8:11 तक, और एक बार फिर सुबह 10:27 से दोपहर 11:49 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:48 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:55 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:14 से रात 8:46 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:18 से शुरू हो चुका है और दोपहर 11:25 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:44 से रात 9:16 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:14 से रात 8:46 तक, और एक बार फिर रात 10:11 से देर रात 3:57 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की दोपहर 1:32 से शाम 6:44 तक, और एक बार फिर शाम 7 से रात 8:11 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 अगस्त की सुबह 6:17 से दोपहर 1:10 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है, अब यह अशुभ समय कल यानी कि 11 अगस्त की दोपहर 12:34 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं,
कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना हमेशा बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:06 से सुबह 10:46 तक, मुंबई सुबह 9:31 से दोपहर पहले 11:07 तक, चंडीगढ़ सुबह 9:06 से सुबह 10:47 तक, लखनऊ सुबह 8:53 से सुबह 10:32 तक, भोपाल सुबह 9:09 से सुबह 10:47 तक, कोलकाता सुबह 8:26 से सुबह 10:04 तक, अहमदाबाद सुबह 9:29 से दोपहर पहले 11:06 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:05 से सुबह 10:39 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वाले छात्रों के करियर में आज कुछ नया बदलाव आएगा जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। आज आपका अपने प्रियजनों के साथ बहुत ही बेहतरीन समय बीतेगा। घरेलू कामों में रुचि बनी रहेगी तथा रिलैक्स महसूस करने के लिए मनोरंजन संबंधी योजनाएं भी बन सकती हैं। पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। कारोबार में कुछ लोग आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान आपका स्वास्थ्य ठीक रखेगा तथा आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे। व्यावसायिक उथल पुथल तथा आर्थिक स्थिति की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बन रही हैं तो वास्तु सम्मत नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। आज आप अपने किसी खास हुनर को निखारने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों आज किसी खास काम में आपको फायदा मिलेगा। माता पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। आज आपके स्वभाव में वहम और गुस्से की स्थिति देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से परिवार के लोग भी परेशान रहेंगे। आज आपको घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। ऑफिस में आपको कुछ नए कामों की जिम्मेदारी मिलेगी जिसको आप सफलतापूर्वक पूरा भी कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज मीडिया तथा कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवसाय में उपलब्धियों के योग बन रहे हैं। इस उचित समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे। व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंध मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। आज पारिवारिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप न करें, इससे घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। आज कुछ समय घर के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी जरूर बिताएंगे। उनके अनुभवों को आत्मसात करना आपको जीवन के कुछ सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। घर में नज़दीकी रिश्तेदारों के आने से उत्सव का माहौल रहेगा। कई तरह के विचारों का आदान प्रदान रहेगा। आज घर में काफ़ी समय बाद निकट संबंधियों का आगमन होगा तथा आपसी विचारों को साझा करने से घर के वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। आज बच्चों के साथ उनके क्रियाकलापों में रुचि लेना और सहयोग करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक बनाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज घर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलेगा।
बेहतर होगा कि किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह और उसके मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए उस पर ध्यान दें। आप तनाव मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा और करियर से संबंधित जो कोई काम हो सकता है आज कोई काम हो सकता है। आज बिजनेस में आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। आज सिर्फ अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देंगे। सावधानी रखने से आपके काम बिना रुकावट पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। इस समय बढ़ते खर्चों में कटौती संभव नहीं है। धैर्य और संयम रखें तथा गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालेंगे। फालतू बातों में ध्यान न दें और अपने काम में ही व्यस्त रहें। आज दोपहर बाद परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी। आज समय का उचित सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलने के योग हैं। आज आप व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कार्यों में भी रुचि लेंगे। साथ ही अपनी योग्यता और कार्यक्षमता से कोई मुकाम भी हासिल कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज काफ़ी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। आज बहुत व्यवस्थित रहने का समय है। आज आप ध्यान रखेंगे कि आपकी बात से किसी को आघात न पहुंचे। अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों की संभाल खुद करेंगे। आज व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु कर्मचारियों का सहयोग आपको तनाव मुक्त भी रखेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी मंदिर में अपना थोड़ा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अपने कार्यक्षेत्र में जो बदलाव किए हैं आपने, उससे भी भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कोई ऑफिशियल यात्रा भी आज करनी पड़ सकती है। प्रमोशन की भी संभावनाएं बन रही हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक भावनाएं रहेंगी तथा घर में सुकून भरा और खुशनुमा माहौल रहेगा। भावुकता में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। आज किसी पर भी ज़्यादा विश्वास रखना उचित नहीं है। आज आपकी आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज़्यादा बखान न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज ऑफिस के काम में आप थोड़े बिजी होंगे। आपको थोड़ी थकान महसूस होगी। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज राजनैतिक तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा देगी। आर्थिक स्थिति आज सामान्य बनी रहेगी। आज अपने पर्सनल कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल न करें। परिवार के कुछ खास मामलों में आज आपको अनदेखी करने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। आज अचानक ही आपको कहीं से सहयोग और उचित सलाह भी हासिल होगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में ज़्यादा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इससे सहयोगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। आज कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। इससे आपके कार्य सफल होंगे। नज़दीकी संबंधी से चल रहे मनमुटाव दूर होने से संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। व्यवसाय में बहुत ही संजीदगी तथा गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इस समय विस्तार संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार अवश्य करें। कोई भी छोटा बड़ा निर्णय लेते समय किसी का मार्गदर्शन और सलाह लेना जरूरी है। जीवन साथी के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज एक मुट्ठी मूंग जल में बहाएं
और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरे कपड़े में 1.25 किलो मूंग रखकर दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप असहाय लोगों की मदद करेंगे, इससे आत्मिक खुशी मिलेगी। मूलांक 2, आज दिन का कुछ समय रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में बीतेगा। मूलांक 3, आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि कुछ बेवजह के खर्च हो सकते हैं। मूलांक 4, आज आप करियर से रिलेटेड विचार अपनी माता के साथ साझा करेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा। मूलांक 5, आज का दिन आपके साथ बढ़िया रहने वाला है, आप किसी व्यक्ति के साथ पूरा दिन बिताएंगे और एंजॉय करेंगे। मूलांक 6, आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपकी किसी समस्या का निवारण होगा। मूलांक 7, आज आपके वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं, साथ ही आर्थिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 8, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे, आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 9, आज आप कार्यस्थल पर शांत होकर कार्य करेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में पोस्टर आदि लगाने के बारे में। कहते हैं आँखों के सामने जो दिखाई देता है वही दिमाग में बार बार घूमता रहता है, और किसी चीज़ को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है तस्वीरें। अगर आप एक ही तस्वीर को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसमें दी हुई चीज़ें याद हो जाएंगी। अतः बच्चों के स्टडी रूम में भी कुछ अच्छी तस्वीरें जरूर लगानी चाहिए। स्टडी रूम में बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चार्ट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सफल लोगों की तस्वीरें, उगते हुए सूरज की तस्वीर, दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, पेड़ पौधों या चहचहाती हुई चिड़ियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा स्टडी रूम में पोस्टर आदि लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:46 तक रहेगी। आज दोपहर 2:52 तक साध्य योग रहेगा। आपको यदि किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो इस ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:49 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से चित्रा नक्षत्र 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल हैं, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है। चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान और शांतिप्रिय होते हैं। इन्हें जीवन में अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इसके फल का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा आज कल की जयंती भी है। आपको बता दूं कि हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कल की षष्ठी मनाई जाती है। इसे कल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कल की जयंती भविष्य में होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। दरअसल शास्त्रों में भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से भगवान के 9 अवतार पहले ही हो चुके हैं और 10वां अवतार कल्कि अवतार है। कहते हैं जब जब पृथ्वी पर पाप की अति होती है तब तब पाप का अंत करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं।
उसी कड़ी में भगवान अपना 10वां अवतार यानी कल के अवतार लेंगे। कहते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये अवतार होना होता है, मतलब भविष्य में ये अवतार इसी दिन होगा, इसलिए इस शुभ तिथि को कल की जयंती के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत देश में भगवान विष्णु के इस कल के अवतार के वर्तमान में भी बहुत से मंदिर हैं जहाँ घोड़े पर सवार भगवान कल्कि की पूजा की जाती है। तो ये थी साध्य योग, चित्रा नक्षत्र और कल्कि जयंती की चर्चा। और अब बात करेंगे आज स्कंद षष्ठी की। आज स्कंद षष्ठी व्रत है, यह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भी करते हैं। दोनों ही व्रत मान्य हैं। स्कंद षष्ठी को कुमार षष्ठी और संतान षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद षष्ठी के अवसर पर मंदिरों में शिव पार्वती जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन स्कंद देव स्वामी कार्तिकेय की स्थापना करके उनकी भी पूजा की जाती है और अखंड दीपक जलाए जाते हैं। आपको बता दूं कि विशेष कार्य की सिद्धि के लिए इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष शुभ फलदायी होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत विधिपूर्वक करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, और यदि पहले से संतान है तो और संतान को किसी प्रकार का कष्ट या कोई रोग है तो ये व्रत संतान को इन सब से बचाने में सहायता करती है। साथ ही कहते हैं कि स्कंद माता कुमार कार्तिकेय के पूजन से जितनी प्रसन्न होती हैं उतनी वे स्वयं के पूजन से भी नहीं होती। मयूर पर आसीन देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आराधना दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा होती है। आज स्कंद षष्ठी के दिन कार्तिकेय जी की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से विभिन्न राशि वालों को अलग अलग फल प्राप्त होंगे। तो किस राशि वाले को आज के दिन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कैसे आपके करियर की बेहतरी सुनिश्चित होगी और आप एक ऊंचे मुकाम को हासिल करने में कामयाब होंगे, कैसे आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से चल रही अड़चनों से आपको मुक्ति मिलेगी, कैसे आपके बिजनेस को अधिक लाभ मिलेगा, कैसे आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होगी, कैसे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, कैसे आपके खर्चों पर लगाम लगेगी, कैसे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, कैसे आपको सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, कैसे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगा, कैसे आपकी दोस्ती के रिश्ते प्यार के रिश्ते में बदल जाएंगे, कैसे आप अपनी किसी विशेष इच्छा को पूरी कर पाएंगे और कैसे अपने बिजनेस में जल्द ही बढ़ोतरी कर पाएंगे, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। अपने करियर में बेहतरी के लिए और अपने आप को एक ऊंचे मकाम पर ले जाने के लिए आज के दिन आपको भगवान कार्तिकेय को खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के कुछ देर बाद ही उस खीर को छोटे बच्चों में बांटते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर की बेहतरी होगी और आप एक ऊंचे मुकाम को हासिल करने में कामयाब होंगे। अगर किसी कारणवश आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज शाम के समय भगवान कार्तिकेय की तस्वीर के आगे 6 घी के दीपक जलाएं और ध्यान रहे कि ये दीपक सुबह तक जलते रहने चाहिए। सुबह उठकर उन दियों को वहाँ से उठा लें और संभाल कर अपने पास रख लें। जब आपके प्रेम विवाह में आ रही अड़चने समाप्त होने लगे तो उन दीपकों को एक एक करके घर की नित्य पूजा में इस्तेमाल कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चने जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर कई कोशिशों के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक फायदा हो तो आज के दिन नीले रंग का एक मोटा धागा लेकर भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस धागे को वापस लेकर अपने सीधे हाथ के बाजू पर बांध लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी कंपनी या बिजनेस का अधिक से अधिक फायदा होगा। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वो आपके कार्य में बाधा डाल रही है तो आज के दिन एक चांदी की अंगूठी लेकर उसे पहले गंगा जल से धो लें, उसके बाद थोड़ा सा गाय का दूध लेकर उसमें डुबो दें। दूध में तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी शक्कर भी डाल दें। इसके बाद
कार्तिकेय भगवान का ध्यान करके वो अंगूठी धारण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होगी और आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, तो आज के दिन आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। पूजा में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान को ताजे फूल अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से धीरे धीरे करके आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वो अच्छे अंकों से पास भी होगा। अगर आपके खर्चे रुक नहीं रहे हैं और आप अपने खर्चों पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं और उनका ध्यान करें। साथ ही उन्हें करौंदे की माला अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके खर्चों पर जल्द ही लगाम लगेगी। करौंदा जानते हैं? लाल और सफ़ेद रंग का छोटा सा फल होता है, खट्टा होता है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान कार्तिकेय जी को दूध में केसर मिलाकर अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन चंपा के ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान कार्तिकेय के मंदिर में चढ़ाएं और साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपको सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन रात के समय थोड़ा सा सत्तू का आटा लीजिए और उसमें थोड़ी मात्रा में घी मिलाइए। अब इस आटे की मदद से एक दीपक बना लीजिए, फिर उस दीपक को पास के किसी चौराहे पर रखाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगा। अगर आप अपनी दोस्ती के रिश्ते को प्यार के रिश्ते में बदलना चाहते हैं, तो आज के दिन एक चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती लेकर भगवान कार्तिकेय के आगे जलाएं, साथ ही भगवान के चरण छूकर उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी दोस्ती का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल जाएगा। अगर आपकी कोई ख़ास इच्छा है जिसे आप जल्द ही पूरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन चंपा के कुछ फूल लीजिए और उनकी माला बनाइए। अब उस माला को भगवान कार्तिकेय जी को अर्पित करिए और अपनी विशेष इच्छा के लिए भगवान कार्तिकेय के सामने हाथ जोड़कर विनती करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए आज के दिन आपको एक मोर का पंख लेना चाहिए और उसे अपने घर के मंदिर में लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित रूप से जल्द ही बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, चित्र नक्षत्र, कल की जयंती और स्कंद षष्ठी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज ऑफिस पहुंचने में देर हो सकती है, बॉस की नज़रों में अपना काम बेहतर बनाए रखें। बी, आज अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करेंगे और रुकावट की परवाह किए बिना आप आगे बढ़ेंगे। सी, बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी, कई दिनों बाद साथ में डिनर करेंगे। डी, दोस्तों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, इससे आपकी दोस्ती पहले से और गहरी होगी। ई, आज ऑफिस के प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, इस प्रोजेक्ट से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। एफ, बच्चों को उनकी पसंद की जगह
आज घुमाने ले जाएंगे, काम के साथ उनका ध्यान भी रखेंगे। जी, आपका कोई शत्रु किसी काम में विरोध कर सकता है, लेकिन किसी की मदद से आपका वो काम पूरा होगा। एच, आज आपकी शादी की बात घर पर हो सकती है, घर के लोगों में खुशी देखने लायक होगी। आई, आपके लिए आज का दिन अच्छा होगा, अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब होंगे। जे, आज किसी पुराने मुद्दे को लेकर सावधानी और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां संभल जाएंगी। के, आपका दिमाग पहले से अधिक शांत रहेगा, जिससे आपके सारे काम अच्छे से पूरे होंगे। एल, घर वालों के साथ किसी टूर पर जा सकते हैं, ये टूर आपके लिए यादगार बनेगा। एम, आज किसी नज़दीकी की सहायता से आपका कोई विशेष काम पूरा हो सकता है। एन, लवमेट के लिए आज मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं, उन्हें गिफ्ट करेंगे तो रिश्ता और मजबूत बनेगा। ओ, अपनी माता की पसंद की कोई चीज़ आज आप लाएंगे, आज उनका आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा। पी, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, साथ ही किसी मामले में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्यों, आज आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का विचार अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे और अपने बजट के अनुसार निवेश करेंगे। आर, आज जल्दबाजी में कोई फैसला न करें और बेहतर तो बेहतर होगा, अपने पारिवारिक सदस्यों की राय जान लें। एस, आज अचानक आपका विचार बदल सकता है, कुछ नया करने का प्लान करेंगे। टी, अगर आप फैशन डिजाइनर हैं तो आज आपके माइंड में तरह तरह के नए आइडियाज आएंगे। यू, आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे परिवार वाले आपके ऊपर गर्व करेंगे। वी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरी मेहनत से काम करेंगे। डब्ल्यू, फोन पर आज दोस्तों के साथ शाम को बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। एक्स, आज माता की सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे, उनको हर किसी टेंशन से दूर रखने की कोशिश करेंगे। वाई, डॉक्टर्स के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। जेड, अच्छी प्रगति के बावजूद भी आपको अपने कामों में सावधानी रखनी होगी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार। यहाँ मधेपुरा में स्थित है सहेश्वरनाथ बाबा का धाम। इस स्थान को शंगी ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है, जिसे पहले शंगेश्वर कहा जाने लगा, बाद में ये सहेश्वर के नाम से प्रचलित हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ को संतान नहीं होने पर उन्हें शंगी ऋषि द्वारा संतान प्राप्ति यज्ञ कराने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद राजा दशरथ ने इनसे यज्ञ कराया। इसके बाद भगवान राम सहित 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें हुई। शंगी ऋषि द्वारा कराए गए यज्ञ से राजा दशरथ को 4 पुत्र होने के बाद सहेश्वर स्थान को लोग संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने आने लगे। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:46 तक रहेगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी ज़रूरतमंद को एक जोड़ी चप्पल दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।